हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स में आज हम पांच साइंस एंड टेक एंड आईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो वायरस हैव नॉट बीन इरेडिकेटेड। तो इसमें से कौन सा पोलियो वायरस का स्ट्रेन है जिसको अभी तक इरेडिकेट नहीं किया गया है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। रिसेंटली न्यूज़ में भी था, लेट अक्टूबर में। सो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोरोवर जो भी ऐसे कुछ डिजीज़ के बारे में कुछ भी आता रहता है, जो कॉमन डिजीज़ हम डे टू डे न्यूज़पेपर में फॉलो करते रहते हैं, उनके बारे में प्लीज़ कीप अ नोट ऑफ सच डेवलपमेंट्स। ठीक है जी, सो यू कैन पॉज, थिंक अबाउट द आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, पोलियो वायरस टाइप वन। तो जो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप वन का जो स्ट्रेन है उसको अभी तक इरेडिकेट नहीं किया गया है। बाकी वाइल्ड पोलियो वायरस टू एंड टाइप थ्री, ये दोनों इरेडिकेट हो चुके हैं। तो यही न्यूज़ थी बेसिकली। जो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप थ्री का जो स्ट्रेन था उसको रिसेंटली WHO ने डिक्लेयर किया अक्टूबर 2019 में ही कि इसको इरेडिकेट कर दिया गया है। एंड इट हैज़ टर्म्ड आउट टू बी अ हिस्टोरिक अचीवमेंट फॉर ह्यूमैनिटी। अभी जो वाइल्ड पोलियो वायरस के टाइप्स हैं, दे कैन कॉज पैरालिसिस एंड डेथ, बट WHO ने इनको कैटेगराइज कैसे किया है, बेस्ड ऑन द वायरोलॉजिकल डिफरेंसेस दैट दे हैव। तो उनके बेसिस के ऊपर इनको वेरियस कैटेगरीज में रखा हुआ है, टाइप वन टू एंड थ्री में। एंड जो लास्ट कन्फर्म्ड केस था ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप थ्री, उसको रिकॉर्ड गया था इन नदर नाइजीरिया इन 2012। तो उसके बाद हमें कोई केस नहीं मिला इसका, दैट इज़ वाई WHO ने अब इसको डिक्लेयर कर दिया है दैट इट इज़ इरेडिकेटेड। एंड आई होप आपको इरेडिकेटेड एंड एलिमिनेटेड के बीच में डिफरेंस जो है वो पता होगा। आई कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा इस बार कि इरेडिकेशन एंड एलिमिनेशन में फ़र्क क्या है। कमिंग बैक, जो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप टू है उसको इरेडिकेट हुआ डिक्लेयर किया गया इन 2015, बट जो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप वन है कंटिन्यूज टू सर्कुलेट इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, तो इसको अभी तक इरेडिकेट नहीं किया। एंड इसके अलावा जो नॉन वाइल्ड फॉर्म्स हैं ऑफ पोलियो, फॉर एग्जाम्पल जो वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो होते हैं, वो अभी भी ट्रांसमिशन में है। एंड दैट इज़ अगेन अ हैज़र्ड फॉर अस कि जो हमने जो वैक्सीन हम देते हैं, बेसिकली उसमें दो तरीके की वैक्सीन होती हैं, एक तो जिसमें जो वायरस है वो काफ़ी ज़्यादा वीकन फॉर्म में होता है, एंड एक में डेड फॉर्म में होता है जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो जो वीकन वाला है कई बार इट टर्न्स आउट टू बी डेडली इनफ कि वो आगे इनफेक्ट जो वैक्सीन है उसी के थ्रू ही स्प्रेड होना स्टार्ट कर देता है। तो दैट इज़ वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो। तो उसका अभी भी खतरा बना हुआ है एंड इट इज़ स्टिल ट्रांसमिटेड इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया इंक्लूडिंग फिलीपींस, जिसमें रिसेंटली ही दोबारा से उनको अपना रिवैम्प्ड पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि वैक्सीन डिराइव्ड जो पोलियो था इट स्टार्टेड टू सर्कुलेट। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड क्वेश्चन, एमिशन्स गैप रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय। तो एमिशन गैप रिपोर्ट काफ़ी एक अहम रिपोर्ट है हमारी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो आपको बताना है इसको कौन रिलीज़ करता है, UNDP, UNEP, UNFCCC या नन ऑफ द अबव। तो यू कैन पॉज, थिंक अबाउट इट। रिसेंटली ही ये रिपोर्ट लास्ट वीक ही आई है। सो द करेक्ट आंसर इज़ BUNEP। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ये रिपोर्ट है। एंड एमिशंस गैप का मतलब क्या है, एमिशन गैप से दे वांट टू रिप्रेजेंट कि क्या डिफरेंस है जो हमारे जो करंट एक्शंस हम ले रहे हैं टू कर्ब द क्लाइमेट चेंज, टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, एंड मोरोवर जो हमारा टारगेट है उसको मीट करने के लिए क्या फ़र्क रह रहा है दोनों का, जो डिफरेंस है दैट इज़ व्हाट एमिशंस गैप रिपोर्ट इज़। सो अगर आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखें तो जो ये रिपोर्ट है ये कह रही है कि 2.7% एवरेज एनुअल कट करना होगा इन द एमिशंस फ्रॉम 2020 टू 2030 अगर हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर राइज को रोकना है। एंड अगर हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है उसको अचीव करना है तो हमें 7.6% रिडक्शन करनी होगी हमारे एमिशंस में। तो करंटली तो काफ़ी शॉर्ट हम पढ़ रहे हैं अपनी इन टारगेट्स के ऊपर। सो अकॉर्डिंगली लेट्स सी इन द फ्यूचर अगर कुछ हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं ऐसी हम डेवलप कर लेते हैं टू कंट्रोल द कार्बन एमिशंस एंड ऑल, अदरवाइज इस पेस से तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड क्वेश्चन है, लंपी स्किन डिजीज इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ़ द फॉलोइंग। सो ये भी रिसेंट ही एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़। सो आपको बताना है लंपी स्किन डिजीज़ किससे रिलेटेड है, कैटल से, राइस से, कॉटन से या वेजिटेबल से। यू कैन पॉज, थिंक अबाउट इट। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ए, कैटल। सो कैटल से रिलेटेड ये एक डिजीज़ है बेसिकली,
उड़ीसा में रिसेंटली इसका आउटब्रेक हुआ, जिसकी वजह से चाइना ने जो इंपोर्ट्स थे ऑफ कैटल एंड कैटल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया उनके उनके ऊपर एक वार्निंग नोटिफिकेशन जारी की है एंड इट हैज़ आस्क्ड इंडिया टू कंट्रोल दिस डिजीज़। सो व्हाट दिस डिजीज़ एक्चुअली इज़, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कैटल में होती है। इट डजेंट हैपन इन काउ और बफलो एंड ये क्या करती है, उनकी हाइड को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दे हैव अ वीक बॉडी स्ट्रक्चर, जो तो जो बॉडी है वो वीक हो जाती है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है एंड मोरोवर ग्रोथ इनफर्टिलिटी, तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं, ग्रोथ पुअर ग्रोथ एंड इनफर्टिलिटी एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ, तो इट कैन बी फेटल एज वेल। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायस्पोरा पॉपुलेशन, तो आपको बताना है इंडिया, मैक्सिको एंड चाइना में से सबसे ज़्यादा जो डायस्पोरा है वो कौन सी कंट्री का है, दूसरे पर किसका, तीसरे पर किसका, सो यू कैन थिंक अबाउट इट। इसके रिलेटेड भी जो रिपोर्ट्स हैं बार बार आती रहती हैं, सो दैट इज़ वाई। एंड मोर ओवर रेमिटेंसेस, तो एक काफ़ी अहम हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट का पार्ट बनता है रेमिटेंसेस, जो हमें पेमेंट्स आती हैं, तो इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा डायस्पोरा, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू हैव अ लुक अपॉन दिस थिंग। सो यू कैन पॉज, थिंक अबाउट इट एंड द करेक्ट आंसर इज़ A321, यानी चाइना का डायस्पोरा सबसे कम है इन तीनों में से, उसके बाद मेक्सिको का है एंड सबसे लार्जेस्ट डायस्पोरा किसका है, इंडिया का है। तो थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में भी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की अभी रिपोर्ट आई, ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, जिसने बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा पॉपुलेशन है जो दूसरे कंट्रीज में रह रहा है एंड जो नंबर है इट इज़ 17.5 मिलियन एंड इंडिया कुछ 78.6 बिलियन के जो डॉलर्स हैं इट रिसीव्स एज रेमिटेंसेस, विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड अगर आप तीनों कंट्रीज़ को कंपेयर करेंगे तो इंडिया का सबसे ज़्यादा है 17.5 मिलियन, दूसरे नंबर पर मेक्सिको है 11.8 मिलियन डायस्पोरा एंड चाइना में है चाइना का है 10.7 मिलियन डायस्पोरा। सो दिस इज़ द ब्रॉडर कैटेगराइजेशन। इसके बाद भी आप फर्दर भी अगर चाहें थोड़ा रिसर्च करके देख सकते हैं कि कौन सी रीजन में जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा नंबर्स में लोकेटेड हैं, क्या वो मिडिल ईस्ट एंड गल्फ कंट्रीज़ है या फिर यूएस है या यूरोप है, कहाँ पर है, तो दैट आल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप उसको भी थोड़ा नज़र में रखिएगा, क्योंकि आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो पॉलिसीज़ हैं कैसे गवर्न होती हैं एंड मोर ओवर हमारे इंटरेस्ट क्या क्या हैं, कहाँ पर हमारे जो डायस्पोरा है वो ज़्यादा नंबर में लोकेटेड है, तो उनके बारे में भी हमें सोचकर ही पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी एंड उन कंट्री से रिलेशंस भी अकॉर्डिंगली रखने पड़ेंगे। तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि डायस्पोरा का स्प्रेड कैसे है। ओके जी, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हंगर इन इंडिया। सो पहली स्टेटमेंट है दैट मोर देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया सफर फ्रॉम क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन और स्टंटिंग। इनका कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट जो 50% स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 50% जो चिल्ड्रन हैं, 50% या उससे ज़्यादा, वो अंडर न्यूट्रिशन या स्टंटिंग से सफ़र कर रहे हैं। तो आई होप आपको स्टंटिंग के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज़ सर्च इट डाउन एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये काफ़ी सिटर टाइप क्वेश्चन होते हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, मॉल न्यूट्रिशन, तो इनमें फ़र्क आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट मेनी टाइम्स अर्लियर एज वेल इन अ प्रीवियस वीडियोज़, तो आप प्लीज़ अगर आपको नहीं पता तो सर्च इट एंड राइट इट डाउन, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आई होप जो रिटेंशन है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट, UNSDG 3 एडवोकेट्स फॉर जीरो हंगर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो यू कैन पॉज, थिंक अबाउट इट। जो SDGs को याद रखने के लिए तो हमारा इतना फेमस वीडियो भी है, आपको कई बार बोला भी है उसको याद रखने के लिए, उसको देखने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट SDGs हैं, क्योंकि ऐसे जब आंसर्स लिखेंगे तब भी यू कैन स्प्रिंकल सच फैक्ट्स, तो उससे थोड़ा आंसर और अच्छा बनकर आ जाता है ना। तो यू कैन थिंक, पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज़ C1 and 2, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, जानते हैं कैसे। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिसेंटली ही रिलीज़ किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक काफ़ी पीछे 102nd रैंक आया इंडिया का आउट ऑफ 117 क्वालिफाइड कंट्रीज, तो विच इज़ वेरी एबिसमल। इसके बाद 47 मिलियन या 4 out of 10, तो इट इज़ नॉट 50%, लेस दैन 50%, थोड़ा नंबर्स का प्ले था, लेकिन अगेन ऐसी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि UPSC समटाइम्स आस्क सच क्वेश्चंस, सच फैक्चुअल थिंग्स, तो हमें लगता है कि यार इतना कब कैसे याद रखें। तो बेसिक थिंग इज़ कि 50% से नीचे है या ऊपर है या 33%, तो जो बेसिक हमारी फ्रैक्शंस होते हैं एटलीस्ट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जो
ऐसे हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, ठीक है जी। सो 4/10 ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट मीट द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन और स्टंटिंग, एंड इट इज़ नॉट SDG 3 बट SDG 2। तो SDG 1 हमारा पॉवर्टी से है, SDG 2 इज़ रिलेटेड टू हंगर, एंड SDG 3 दैट यू हैव टू राइट इन द कमेंट्स। तो अब दोस्तों आपने 3-4 चीज़ें हैं कमेंट्स में लिखनी है, प्लीज़ डू राइट सच थिंग्स, क्योंकि आपका भी भला हो रहा है इसमें। आप रिसर्च कर रहे हैं, जब वेबसाइट खोलेंगे सर्च करेंगे तो आपको भी कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी, एंड अकॉर्डिंगली जो कोई और लेट लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी नीचे आंसर्स मिल जाएंगे, तो सभी का इट इज़ अ विन विन फॉर ऑल। तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स, ओके जी। एंड मोरोवर जो एच ई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं उन सब का फोकस किसके ऊपर है, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फार्म लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड रिलेटिव। सो दिस इज एच ई बायोडाइवर्सिटी टारगेट, एंड जो हमारा SDG 2 है वो जीरो हंगर से रिलेटेड है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।